फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हमारे यहाँ जरूर कुछ ना कुछ नया बनता ही है। तो आज मैंने जो नमक पारे बनाए हैं, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। देखा आपने, आवाज सुना, बहुत ही खास तरीके से मैंने इसको बनाया है। और किस चीज से बनाया है ये भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ देखिए, सारी परतें जो है दिख रही हैं नमक पारे की, और खाने में बहुत टेस्टी है, एकदम क्रिस्पी है, क्रंची बने हैं। इस दिवाली में आप इस नमक पारे को जरूर बनाइए ताकि घर में आने वाले मेहमान भी खुश हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब मिलकर शताब्दी द किचन में चलते हैं। जो फ्रेंड्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मैंने आधा कप जो है मूंग की दाल भिगो ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से जो है दाल भीग चुकी है, और अब मैं इसको मिक्सी के ग्राइंडर में पीस लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने आधा छोटा चम्मच जो है काली मिर्च ले ली है। यहाँ देखिए आधा छोटा चम्मच अजवाइन, देखिए एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ मैं। आधा छोटा चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च भी मैंने डाली है, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं ऐड करूंगी 2 बड़ा चम्मच ऑयल, जिससे जो नमकीन बनके हमारी तैयार होगी वो बहुत ही खस्ता बनने वाली है। इससे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां मैं 2 कप मैदा ले लेती हूं, इसको अब मैं मैदे में मिक्स करूंगी। और जैसे हम आम तौर पे गूंदते हैं ना मैदा, वैसे ही इसको इसी तरह से गूंद लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सब थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। डो बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा सा बना है। ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, इसको अब आपको रखना नहीं है, तुरंत जो है हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां मैं लोइयां बना लूंगी, मतलब कि एक एक लोई ले लूंगी इस तरह से ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, बेलने के बाद इसमें जो है अब ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। अब इसमें जो है मैदा छिड़क देंगे। मैदा छिड़कने से क्या होगा, जो नमक पारे बनके तैयार होंगे उसमें बहुत सारी परतें बनेंगी और जो खाने में बहुत टेस्टी बनाएगी। तो अब इसमें मैंने मैदा छिड़क दिया है, अब इसको मैं फोल्ड करूंगी। जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूं आप भी उसी तरह से फोल्ड कीजिएगा, तो एकदम खस्ते और परतों वाले नमक पारे बनके बिल्कुल रेडी होंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इसको फोल्ड किया है, अब जैसे ही फोल्ड कर दिया तो फिर यहां पर फिर से ऑयल लगाना है, और लगाने के बाद फिर से मैदा छिड़क देना है। बस यहीं पर मेहनत है, बाकी तो बहुत सारे नमक पारे बनके बिल्कुल रेडी होंगे, तो आपको बहुत ही खुशी होगी। फिर इसको देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ना है ऐसे, और इसको इस तरह से। तो देखिए ये चौकोर सा बन जाता है, और जैसे ही चौकोर सा बन जाएगा तो इसको अब मैं फिर से बेलूंगी। इसी तरह से स्क्वायर से बेल लेना है इसको। देखिए इस तरह से मैंने इसको बेला है, अब मैं इसमें फिर से ऑयल लगाने वाली हूं। ये देखिए, उसके बाद मैदा छिड़क दीजिए। मैदा भी अच्छे से छिड़किएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर मैदा अगर छिड़केंगे नहीं ना आप, भूल जाएंगे, तो फिर ये परते वाली परत नहीं बन पाएगी। अब इसको देखिए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे,
फिर इसको इस तरह से मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अब मैं बेल लूंगी, थोड़ी लंबाई में जरूर होगी और इसको बहुत ज्यादा दबा के बेलना नहीं है और ज्यादा बहुत पतला नहीं करना है, पर बेल लीजिएगा इसको इस तरह से। अब मैं इसको काटूंगी। इसी तरह से चौड़े चौड़े काट लेने हैं। ये देखिए काटा है मैंने, और ये देखिए मैं दिखा रही हूं आप लोगों को, ये देखिए देख रहे हैं आप। तो इस तरह से मैं थोड़े से काट लूंगी, फिर इनको छानूंगी। तेल जो है एकदम गर्म हो चुका है, लेकिन मैं इसको एकदम स्लो कर दूंगी गैस का फ्लेम, और उसके बाद थोड़े थोड़े से इसमें डालूंगी। गैस का फ्लेम जो है एकदम कम कर देना है। आप देख ही रहे हैं इनके परते, देखिए मुझे मतलब उठा के दिखा भी रही हूं मैं, आप देख लीजिए कितने बढ़िया बन रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो देखिए मैं इनको उठा लूंगी, ये देखिए बहुत ही खस्ते बने हैं और एकदम कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं एकदम, ये देखिए फ्रेंड्स देख रहे हैं। इस तरह से मैंने सारे नमक तारे जो है देखिए फ्रेंड्स बना लिए हैं, और कितने क्रिस्पी हैं आवाज देख लीजिए। एक नमक पारा मैं आपको तोड़कर भी मतलब कि दिखा रही हूं, देखिए आप देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं और बहुत ही टेस्टी है। महीनों आप रखिए, कभी खराब नहीं होने वाले हैं। तो इस दिवाली में आप बना रहे हैं ना, अगर आप भी बनाएंगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक तो एक जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस दिवाली में बहुत एंजॉय करिए और बहुत खुश रहिए सभी लोग। तो फ्रेंड्स अब एक नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी।